एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी के उस अंडे को अन्य अंडों के साथ वह मुर्गी सेकने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडों में से तो चूजे निकल के आए और बाज के अंडे में से एक बाज का बच्चा बाहर आया। बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा और वह चूजों के साथ ही खाता पीता, खेलता, इधर उधर फुदकता और ऐसे करते वह बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते रहते उसे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बल्कि एक बाज है। वह खुद को भी चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों की देखा देखी वह भी थोड़ी ऊंचाई पर उड़ा और फिर वापस ज़मीन पर आ गया। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करा, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ते देखता तो वह भी उतनी ही ऊंचाई पर उड़ता। उससे ज़्यादा उड़ने की उसने कभी कोशिश ही नहीं की। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को आज से पहली बार देखा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने चूजों से पूछा कि भाई वो कौन है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो चूजे बोले कि वह पक्षियों का राजा बाज है और वह आकाश में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूँ तो। वह बाज बोला, कैसी बात करते हो, मत भूलो तुम एक चूजे हो और चूजे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बाज की जितना नहीं उड़ पाएंगे। इसलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो, जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो, चूजे बोले। बाज ने उसकी बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश नहीं की। बाज होने के बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान ही जीता रहा। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमताएँ और संभावना से परिपूर्ण हैं। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम समय को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बनेंगे, बाज समझेंगे तो बाज बन जाएंगे। खुद को कम ना समझो, अपनी क्षमताओं को सीमित ना करें, बाज बनें और जीवन में ऊंचाई की उड़ान भरें। अगर ऐसी ही कहानी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।